हेलो फ्रेंड्स, चेन्नईदिरा कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज ये कन्नड़ा का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, पता है क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जो कनेक्टिंग वर्ड रहता है ना, से और के लिए, ये दोनों का प्रयोग सीखेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखने हैं, फिर उसके बाद हम लोग आसानी से बना सकते हैं। शुरू करें? चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहले हम लोग से का प्रयोग देखते हैं। जैसे मैं को नानू कहते हैं, ये तो अच्छा से पता है ना। मेरा को नन्ना कहते हैं, नानू नन्ना मेरा, ठीक है ना, नानू नन्ना। मुझसे यदि हमें से का प्रयोग करना है, मुझसे, तो फिर उसे हम लोग कहेंगे ननिंदा। ननिंदा मतलब मुझसे। तो फ्रेंड्स मैं यहां बगल में इसलिए लिखती हूं, मुझे तो मुख्य बताना मुझसे को है, लेकिन हम लोग नन्ना याद रखेंगे तो ननिंदा याद रखना बहुत आसान होगा। नन्ना मेरा, मुझसे ननिंदा। उसी प्रकार तुम को बोलते हैं नीनू, याद है ना, उसी प्रकार से तुमसे को निंदा। सबके पीछे फ्रेंड्स निंदा, इंदा वर्ड लगा देना, समझ जाइए। तुमसे निंदा, जिसे आपको बोलते हैं नीवू, ये तो पहले ही बता चुकी हूं, आपको नीवू, और हमको नाऊ बोलते हैं ना, हमको नाऊ। मैं को बोलते थे नानू, हमको नाऊ। जब आपका बोलना है तो निम्मा बोलते हैं ना, आपका को निम्मा, तो आपसे बोलना होगा तो निम्मदा, उसके पीछे भी दा लग गया, निम्मदा मतलब आपसे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा को नम्मा बोलते हैं ना, हमसे, हमसे को बोलते हैं नमिंदा, नमिंदा नमिंदा हमसे, नमिंदा हमसे। और हम लोग कई बार जान चुके हैं फ्रेंड्स, ये तो हम लोग वह को लड़का रहेगा तो अवणु, लड़की रहेगी तो अवणु बोलते हैं ना। उसी प्रकार से उससे बोलना है, वह से बना है उससे, तो अवनिंदा लड़का के लिए, अवनिंदा लड़की के लिए, अधुरिंदा इन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है ना। अवनिंदा, अवनिंदा, अधुरिंदा, ये हो गया उससे के लिए, अवनिंदा, अवनिंदा, अधुरिंदा, ठीक है ना, और अधुरिंदा नॉन लिविंग के लिए। फ्रेंड्स यदि इससे रहता, इससे रहता तो क्या होता, इव, फिर वहां आ के जगह ई लग जाता है, तो हम लोग जान ही रहे हैं ना, वह में आ रहता है और यह ई, तो यहाँ पर ई लग जाता है, यह के लिए ई लग जाता है, तो यहाँ पर आता तो इवनिंदा, इवनिंदा, इधुरिंदा, ऐसा प्रयोग करते, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स ये तो हम लोग अब यहाँ पर हम लोग जान गए, ये सब का प्रयोग हम लोग जान गए कि मुझसे को ननिंदा कहते हैं, ठीक है, मुझसे को ननिंदा, तुमसे को निंदा, आपसे को निंदा, हमसे को निंदा, एकदम आसानी से याद हो गया, है ना। अब हम लोग चलिए इसी में सेंटेंस बनाते हैं कि इससे हम लोग कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या के लिए इन, बेकू चाहिए, तो हम लोग पहले भी जानते हैं इन बेकू, क्या चाहिए, तो हमें बोलना है मुझसे क्या चाहिए। यदि क्वेश्चन होता है मुझसे क्या चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इन बेकू तो है ही है, मुझसे, मुझसे के लिए निंदा, मुझसे क्या चाहिए, है ना, मुझसे क्या चाहिए, ननिंदा इन मे को, है ना, आसान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही देखिए, कुछ ही शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के लिए हम जान गए ना, तो बहुत आसान होगा इन शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो ननिंदा इन मे को, देखिए ननिंदा इन मे को, क्या चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए, मान लीजिए उससे बोलना है, उससे तुम्हें क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए, उससे के लिए क्या है, अवनिंदा, लड़का है तो अवनिंदा एन बेकू, उससे क्या चाहिए, फिर अवनिंदा एन बेकू, वो लड़की है तो उससे क्या चाहिए, हो गया ना, इससे क्या चाहिए, तो फिर इवनिंदा एन बेकू, इससे क्या चाहिए, इवनिंदा एन बेकू, इससे लड़की है तो उससे क्या चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स काम के लिए, मान लीजिए काम को बोलते हैं केलशा, काम को बोलते हैं केलशा, तो यदि हमें बोलना है ना कि उससे ये काम करवाना है या उससे वह काम करवाना है, तो ई केलशा, ई केलशा यह काम, आ केलसा वह काम, है ना सा, ई केलसा आ केलसा यह काम वह काम। फिर ये बोलना है उससे यह काम होगा क्या, ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा है ना, बहुत आसान है। देखिए पहले होगा क्या को देखते हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, क्या मतलब आगुत्ता होगा क्या, एकदम आसान है फ्रेंड्स, होगा क्या, आगुत्ता होगा, आगुत्ते आसान है, आगुत्ते आंसर होगा, आगुत्ते। यदि हमें बोलना है उससे होगा क्या, उससे हो, पहले इसको देखते हैं, उससे होगा क्या, उससे, उससे में लड़का है तो क्या बोलेंगे,
अवनिंदा अगुत्ता उससे होगा क्या? फिर हमें क्या बोलेंगे? अवनिंदा अगुत्ते उससे होगा। आंसर मिल गया ना। यदि हमें बोलना है उससे यह काम होगा क्या, उससे यह काम होगा क्या, यदि वहां बोलना है ठीक है ना, तो फिर क्या बोलेंगे? लड़का है, अवनिंदा यह काम, ठीक है ना। तो ई कैसा अगुत्ता, अवनिंदा ई कैसा अगुत्ता, आसान लग रहा है ना। अवनिंदा ई कैसा अगुत्ता मतलब उससे यह काम होगा क्या। यदि लड़की रहेगी तो यदि उसको बोलना है वह काम, कोई लड़की है यदि बोलना है वह काम उससे होगा क्या, तो फिर क्या बोलेंगे? देखिए अवलिंदा 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 आकेलशा अवलिंदा आकेलशा आगुत्ता 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 होगा क्या? आगुत्ते होगा। लेकिन फ्रेंड्स हर बार आगुत्ते नहीं होता है, कभी कभी नहीं होगा, तो फिर क्या बोलेंगे? नहीं होगा। आगमुदिल्ला 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 नहीं होगा, ठीक है, आगमुदिल्ला नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ आगमुदिल्ला इल्ला का मतलब बताया था ना, बेड़ा इल्ला इल्ली ऐसे जुड़ता है, नहीं के लिए रहता है, तो ये क्या है? आगमुदो। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना, देखिए ये दो शब्द से मिलकर बना है, यहाँ पे देखिए संधि ही रहता है फ्रेंड्स, आगमुदो प्लस इल्ला मतलब नहीं होगा, ठीक है, आगमुदो नहीं इल्ला। तो फिर हमें बोलना है उससे वह काम नहीं होगा, यदि हम ऐसा बोलना तो फिर क्या बोलेंगे? उससे के लिए लड़की है तो अवलिंदा यहाँ से के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंदा जितना लग रहा है ना सब से के लिए, ठीक है ना। अवलिंदा आकेलशा वह काम, ठीक है, देखिए आकेलशा वह काम आकेलशा वह काम। आगुदिल्ला नहीं होगा, तो क्या होगा? अवलिंदा आकेलशा आगुदिल्ला मतलब वह काम उससे नहीं होगा, ठीक है। यदि होने का रहेगा तो आगुत्ते, लड़का रहेगा तो क्या बोल सकते हैं? लड़का यदि बोलना है, ठीक है ना। अवनिंदा लड़का के लिए, ठीक है ना। ये ना से समझे फ्रेंड्स, हम लोग पहले भी जान चुके हैं अवनु अवलु, देखिए इसी से पकड़ाता है, ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है ना। तो अवनिंदा लड़का से नहीं होगा, तो अवनिंदा आकेलशा वह काम आगुदिल्ला नहीं होगा, ठीक है ना। और लड़की से होगा तो क्या बोलेंगे? अवलिंदा आकेलशा वह काम आगुत्ते होगा। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, देखिए यदि हमें बोलना है तुमसे होगा क्या, यदि तुमसे, देखिए तुमसे के लिए क्या वर्ड था, देखिए तुमसे होगा क्या, बहुत आसान है फ्रेंड, तुमसे नी निंदा फिर होगा क्या के लिए क्या था? आगुत्ता, देखिए नी निंदा आगुत्ता तुमसे होगा क्या, नी निंदा आगुत्ता तुमसे होगा क्या, होगा तो आगुत्ते हो जाएगा, भाई मैं सब काम कर लेता हूँ, है ना, आगुत्ते हो जाएगा, और नहीं होगा तो आगुदिल्ला, नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताइए, नहीं होगा तो फिर आगुदिल्ला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में, पहले तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद ना पूरा मिला के बनाइए, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, यह काम होगा, फिर यहाँ पर आपसे, ठीक है ना, आपसे होगा क्या, निमद्दा करके बोलिए, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स आगुत्ता निमद्द गया तुगा, फिर निमद्द गए आगुत्ते। तो फ्रेंड्स इसको जो है ना, इसमें जितने शब्द दिए हैं इसको मिला के बनाइए, साथ ही साथ में आप उसका प्रयोग भी करिए, तो बहुत आसानी से जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है ना आप शे का प्रयोग जो है, ये शे का प्रयोग बहुत आसानी से जान गए हैं, शे का प्रयोग, शे के लिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इंदा पीछे इंदा 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 शब्द को लगाते चले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं, तो शे का हो गया, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है के लिए का हम लोग प्रयोग जानते हैं, ठीक है, के लिए, जैसे हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, इसके लिए, सब का प्रयोग जो है ना किस तरह से करते हैं उसका देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसी के अनुसार, उसी के आधार पर, जैसे हमने तो जान गया है ना कि मैं को नानू कहते हैं, मेरा को नन्ना कहते हैं, तो याद इसलिए मैं दिला रही हूँ कि मेरा को नन्ना कहते हैं, तो मेरे लिए वो फिर क्या बोलेंगे? इसके पीछे फ्रेंड्स हमें बस केवल गागी लगा देना है, बहुत आसान है। लिए बोलते हैं ना, लिए की जगह पे आप गागी लगा दीजिए, तो नन्ना बोलते हैं मेरा क्या बोलेंगे? नन्ना, तो मेरे लिए नन्ना गागी, बहुत आसान है फ्रेंड्स, नन्ना
आगे, बस खाली पीछे गागी 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 जोड़ते चले जाइए, ठीक है। देखिए उसी प्रकार तुमको बोलते हैं नीनू, नीनू तो जैसे ननक आगे हुआ तो नीन गागी, तुम्हारे लिए नीन गागी, नन गागी मेरे लिए, नीन गागी तुम्हारे लिए। उसी प्रकार आपको बोलते हैं नीमू और आपका को बोलते हैं निम्मा, निम्मा बोलते याद है ना, आपका तो निम गागी, निम गागी आपके लिए, पीछे गागी गागी, ठीक है ना, निम गागी, निम्मा की जगह निम गागी आपके लिए। उसी प्रकार नाऊ होता है ना हम, नाऊ होता है हम के लिए, हमारा के लिए नम्मा, हमारा के लिए नम्मा, तो फिर इसके लिए हमारे लिए नम गागी, नम गागी, नम गागी हमारे लिए, नन गागी, निम गागी, नम गागी, नीन गागी, बहुत आसान है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए आपके लिए निम गागी, हमारे लिए नम गागी। तो फ्रेंड्स जब इन सब शब्दों का हम लोग प्रयोग करने लगेंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए वह के लिए, वह के लिए क्या था, रट गया ना, अवनु अवलु अवरु वह, और यह रहेगा तो इवनु इवलु इवरु, मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो दूर में रहेगा वह तो उसके लिए अ से शुरू होगा, जो पास में रहेगा वो ई से शुरू होगा, यहाँ ऐसे बोलते हैं हम लोग उस तरह से, यहाँ मतलब ई से शुरू होगा पास के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अवनु अवलु इसी से करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अवनु लड़की के लिए अवलु, तो उसी प्रकार से पीछे गागी लगा देना है, अवनी गागी लड़का के लिए, ठीक है ना, उसके लिए बोलेंगे ना, उसके लिए, यदि लड़का है तो अवनी गागी, लड़की है तो अवली गागी, अवली गागी लड़की के लिए अवली गागी, अवनी गागी, अवली गागी। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैजिक शुरू होने वाला है, क्या, अब हम लोग तो बस इतना जान लिए गागी लगाना है, ठीक है ना। अब हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे इसको देखिए, यदि आप इस ट्रिक्स को पकड़ लिए ना तो कहीं पे भी कुछ भी न याद करने की आवश्यकता है, न रटने की आवश्यकता है, कन्नड़ चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे माने हमें बोलना है, ठीक है ना, कि उसके लिए अवली गागी, अवली गागी, इतना जानते हैं हम लोग। फिर देखिए करोगे क्या, कोई भी चीज करोगे क्या, तो क्या बोलेंगे, माड़ितिया, माड़ितिया करोगे क्या। और फिर उसके साथ ही देखिए, उसके साथ में ना यदि कोई बड़े है तो हम लोग क्या बोलेंगे, करेंगे क्या, तो रा जो है रिस्पेक्टेबल वर्ड है, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे माड़ितिरा, अभी देखिए पूरा मैजिक होने वाला है, फटाफट पता चल जाएगा, माड़ितिरा इसका मतलब क्या हो गया, करेंगे क्या, मतलब यहाँ पर क्यों बताएंगे उसको, करेंगे क्या मतलब आप हमारे लिए ये करेंगे क्या, तुम हमारे लिए ये करोगे क्या, तो ये माड़ितिया, माड़ितिया मतलब करोगे क्या, ये तो जानना ही पड़ेगा, माड़ितिया करोगे क्या। अब हमें बोलना है मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमारे लिए करोगे क्या, हमारे लिए करोगे क्या, तो फिर क्या बोलेंगे, हमारे लिए नम गागी, नम गागी माड़ितिया, नम गागी माड़ितिया हमारे लिए करोगे क्या, ठीक है ना। यदि कोई बड़े हैं हमारे लिए करेंगे क्या, तो नम गागी माड़ितिरा हमारे लिए करेंगे क्या, है ना आसान। यदि मान लीजिए बोलना है करूंगा या करेंगे तो क्या बोलेंगे, माड़ुतिनी या माड़ुतेने, ठीक है ना, सेम माड़ुतिया या माड़ुतिरा था ना, इसको माड़ुतेने याद कर लेते हैं, बहुत आसान है फ्रेंड्स। माड़ुतेने भी बोलते हैं और माड़ुतिनी भी बोलते हैं, माड़ुतिनी भी बोलते हैं, माड़ुतेने भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो देखिए मुझे बोलना है मान लीजिए कि आपके लिए, आपके लिए करेंगे, यदि हमें बोलना है हमारे लिए करोगे क्या, तो आंसर क्या होगा, आपके लिए करेंगे, तो आपके लिए क्या बोलेंगे, निम गागी, निम गागी, निम्मा आपका, निम गागी आपके लिए, माड़ुतेने करेंगे, निम गागी माड़ुतेने आपके लिए करेंगे। फ्रेंड्स फिर गागी बस लगाना, ठीक है ना, निम गागी माड़ुतेने आपके लिए करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स तुम्हारे लिए निन गागी, तुम्हारे लिए निन गागी, तुम्हारे लिए करेंगे, तो निन गागी माड़ुतेने या निन गागी माड़ुतिनी, निन गागी माड़ुतिनी, निन गागी माड़ुतेने तुम्हारे लिए, गागी लिए, याद है ना। चलिए अब इसके बाद मान लीजिए हमें बोलना है कि मेरे लिए लाओ, कोई भी चीज मान लीजिए लाओ बोलना है, ठीक है ना। तो लाओ के लिए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लाओ को बोलते हैं तगोम्बा, तगोम्बा बा, ठीक है ना, मेरे लिए लाओ, तो क्या बोलेंगे, नन गागी तगोम्बा, मेरे लिए लाओ, मेरे लिए नन गागी, ठीक है ना। देखिए मेरे लिए नन गागी, तो मेरे लिए नन गागी मतलब मेरे लिए नन गागी, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ यहाँ से देखिए, ठीक है ना, नन गागी हो गया ना, तो देखिए मेरे लिए नन गागी यहाँ हुआ, तो यहाँ बोले देखिए नन गागी मतलब मेरे लिए, मेरे लिए, यदि हमें बोलना है मेरे लिए लाओ नन गागी तो
तगुम्बा, यदि कोई बड़े हैं तो मेरे लिए लाइए, तो क्या बोलेंगे तगुम्बन्नी तगुम्बन्नी, ननगाबी तगुम्बन्नी मेरे लिए लाइए, ठीक है ना फ्रेंड्स, मेरे लिए लाइए तगुम्बन्नी, तगुम्बा जो है लाओ तगुम्बन्नी लाइए, ठीक है लाइए तगुम्बन्नी लाइए मेरे लिए लाइए। अब पूछना है फ्रेंड्स, अब इतना तो सुना था कि हमें जो है ना तगुम्बा बोलना है, लाओ मेरे लिए लाओ, तो क्या लाओ। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है, क्या लाओ, मान लीजिए हमें दूध पीने की इच्छा है तो दूध को क्या बोलते हैं, पहले वीडियो में ही बताई हालू, तो फिर क्या बोलेंगे ननगाबू ननगाबू हालू, दूध के लिए हालू, देखिए दूध के लिए हालू, हालू तगुम्बा मतलब मेरे लिए दूध लाओ, ननगाबू हालू तगुम्बा मेरे लिए दूध लाओ। यदि हमें बोलना है मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए मील खाना लाओ, उसको क्या बोलते हैं ऊटा, तो ननगागी ऊटा तगुम्बा मेरे लिए खाना लाओ। यदि हम मान लीजिए छाछ पीने की इच्छा हो रही मट्ठा, तो हम क्या बोलेंगे ननगागी मजे के तगुम्बा मेरे लिए छाछ लाओ, ठीक है, उसे कितना बड़ा रहेगा तो तगुम्बन्नी तगुम्बन्नी ननगागी मजे के तगुम्बन्नी मतलब मेरे लिए छाछ लाइए, ठीक है ना। यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स उसके लिए, यदि हमें बोलना है उसके लिए, ठीक है उसके लिए, यदि लड़का है तो फिर क्या बोलेंगे अवनिगागी, लड़का है तो अवनिगागी अवनिगागी उसके लिए खाना लाइए, कोई लड़का है तो बोलेंगे उसके लिए चाय लाइए, मान लीजिए उसके लिए क्या, तो फिर क्या बोलेंगे बोलिए, देखिए आप ही बताइए अवनिगागी उसके लिए चाय, चाय को तो टी ही बोलते हैं, टी लाइए तगुम्बन्नी तगुम्बन्नी अवनिगागी टी तगुम्बन्नी उसके लिए चाय लाइए, है ना सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं वाक्य बोल रही हूँ ना आप उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पर बोल दे रही हूँ लेकिन आप उसको एक पेन कॉपी लेकर के उसको साथ में लिखते चले जाएंगे जितने भी वाक्य, और साथ ही फ्रेंड्स आप जो है ना और ऐसे ही इससे मिलते जुलते और भी वाक्य बनाने की कोशिश करिए। चलिए एक दो और देख लेते हैं, यदि लड़की है तो क्या बोलेंगे अवलिगागी 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 फ्रेंड्स लड़की है तो बोला है लड़की के लिए अवलिगागी, क्या मंगाना है लड़की के लिए, ठीक है ना, लड़की के लिए मान लीजिए हमें बोलना है कि लड़की के लिए दूध ला, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे अवलिगागी हालू तगुम्बा लड़की के लिए दूध लाओ, बड़े रहेंगे तो तगुम्बन्नी उसके लिए लेके आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना कितना आसान है, उसके लिए लड़का है तो अवलिगागी अवलिगागी करोगे क्या मागुतिया मागुतिरा, बड़े हैं तो मागुतिरा रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है ना, मागुतिरा बड़े हैं रिस्पेक्ट के लिए, मागुतिया करोगे क्या मागुतिरा मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए प्लूरल के लिए, ठीक है ना। फिर मारुतेनी मारुतेनी या मारुतेनी करूंगा, लाओ तगुम्बा तगुम्बन्नी खाना ऊटा दूध हालू छाछ बजेंगे, तो मैं बस यहाँ पे इसलिए लिख दी थी कि इसको मिला करके जो है ना आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे लिए नमगागी आपके लिए निमगागी तुम्हारे लिए निनगागी तुम्हारे लिए निनगागी, है ना, उसी प्रकार से मेरे लिए ननगागी। तो फ्रेंड्स कैसा रहा से और के लिए का प्रयोग, है ना आसान चुटकियों का खेल, लेकिन फ्रेंड्स मेरा तुम्हारा मैं तुम हम आप ये सब शब्द को ना मैंने बिल्कुल बिठा लिए, क्योंकि जब ये सब दीदी बैठ गए अवनु अवलु अवलु ये सब जब बैठ गए ना तो कोई भी चीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें फ्रेंड्स, इसका जो है ना आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच बीच में देखते रहिए और साइड में कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, मैं को क्या कहते हैं, तुम को क्या कहते हैं, हम को क्या कहते हैं, आप को क्या कहते हैं, मेरा को क्या कहते हैं, हमारा, यदि इस चीज को सीख लिए ना तो फिर चुटकियों का खेल लगता है नरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान बहुत ही आसान भाषा है फ्रेंड्स, ठीक है, मजा आया ना। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करिए कमेंट्स करिए, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलो, तब तक के लिए बाय बाय।